हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस, कि टेंस होता क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फिर इसके फॉर्म करने के कौन कौन से तरीके हैं, क्या रूल्स हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं ये टेंस वर्ड आया कहाँ से। तो टेंस वर्ड जो है वो हमारा आया एक लैटिन वर्ड टेम्पस से, जिसका मतलब होता है टाइम। लैटिन वर्ड जो है टेम्पस, इसका मतलब होता है टाइम। तो अब एक चीज़ यहाँ से एक और उभरता है कि क्या टेंस का मतलब टाइम होता है। नहीं, टाइम और टेंस दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। टाइम जो होता है वो हमारा एक टाइम होता है कि वो या तो प्रेजेंट में, फ्यूचर में या पास्ट में हो सकता है, वो या तो हुआ था या होगा या हो रहा है, ठीक, वो मतलब एक एग्जैक्ट टाइम होता है। लेकिन जो टेंस है वो हमारा एक एक्शन को दिखाता है जो कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में होगा। टाइम जो होता है वो हमारा फ्यूचर में हो सकता है कि मतलब अभी बात की जा रही है, लेकिन वो कार्य फ्यूचर में होगा, लेकिन फिर भी उसको जब हम ट्रांसलेशन करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो हम प्रेजेंट टेंस के नियम को लगाते हैं। सारे रूल्स जो अप्लाई होंगे वो प्रेजेंट टेंस वाले रूल्स अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ कमिंग टुमारो, ही इज कमिंग टुमारो, तो यहाँ पे जो है फ्यूचर टाइम यानी कि कल आने वाला, अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हमने प्रेजेंट टेंस के हिसाब से इसको हमने ट्रांसलेट किया है, ठीक। तो इसलिए जो टाइम होता है वो टेंस से बिल्कुल अलग होता है। तो इससे ये एक क्वेश्चन आता है कि टेंस होता क्या है। तो टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ एन एक्शन बट ऑल्सो द स्टेट ऑफ द एक्शन, ठीक। कहने का मतलब है कि जो हमारा टेंस होता है वो वर्ब का ऐसा फॉर्म होता है जो कि उस टाइम को बताता है कि कार्य कब होता है, और उसका जो है स्टेट भी बताता है कि वो कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है या कंप्लीट होता है, ठीक, या होगा या होता था, प्रेजेंट पास्ट, वो मतलब फिर यही है। ये तो अभी हमारा ये टेंस का एक तरह से डिफिनेशन, क्या कहते हैं, मतलब एक उसका कॉन्सेप्ट हो गया कि हमारा टेंस जो होता है ऐसे ही होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारा टेंस कितने होते हैं, तीन, कौन कौन से, पास्ट जो बीत चुका, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट है, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तब ये चीज़ हो चुका होगा, तब वो वीडियो जो चल रही है वो आपके लिए प्रेजेंट होगी, मेरे लिए पास्ट हो चुका होगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। नेक्स्ट है लास्ट फ्यूचर, जो फ्यूचर में होगा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तब आप पढ़ेंगे, तो आप पढ़ेंगे, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ लेकिन आप पढ़ेंगे, वो फ्यूचर में चला जाता है, ठीक। तो ये हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। तो जैसा अभी हमने देखा कि हमारा टेंस जो होता है वो वर्ब का एक फॉर्म होता है, ठीक, तो वो पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा, फ्यूचर में होगा, किसी में भी हो सकता है, फिर वो डिपेंड करता है उसकी हेल्पिंग वर्ब पे, क्योंकि कई वर्ब होती है जो प्रेजेंट में भी यूज़ होती हैं, पास्ट में भी यूज़ होती हैं और फ्यूचर में भी, लेकिन उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है जो उनकी, वो उसको फिर पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में उसको आइडेंटिकल बनाती हैं कि वो पास्ट में जाएगी, फ्यूचर में जाएगी या प्रेजेंट में ही रहेगी। तो क्या होता है कि उसमें सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर उसकी सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फिर ING फॉर्म होती है, फिर उसके बाद इन्फिनिटिव आ जाता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में हमारी जो वर्ब होती है उसका जो है मेन फॉर्म लिखा जाता है, वॉक ले लेते हैं, वॉक मीन्स चलना, तो इसका फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म में आएंगे तो हो जाएगा वॉकड, इसमें ED जोड़ दिया जाएगा और ये सेकेंड में चला जाएगी, ये अक्सर पास्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा वॉकड, ये भी थर्ड फॉर्म भी इसका वॉकड ही होगा, और ING फॉर्म में क्या हो जाएगा, वॉकिंग, जो कि पास्ट पार्टिसिपल है या प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है इन्फिनिटिव में क्या होता है, टू जोड़ दिया जाता है,
टू के साथ फिर वही वर्ब हमारी लिख दी जाती है। तो ये क्या होता है, ये सब हमारा टेंसेस को मॉडिफाई करते हैं या उसको बताते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से टेंस में है। और जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में यूज़ होती है, परफेक्ट में, ठीक, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। अभी टेंस में हम आज के प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो अभी इस समय जो कार्य चल रहा होता है, उसी समय जिस टाइम वो बात कही जा रही है, जो वो स्टेटमेंट कहा जा रहा है, उस टाइम जो उसी वक्त जो काम हो रहा हो वो प्रेजेंट में आता है, ठीक। जैसे वो जा रहा है, वो आया है, ठीक। यहाँ पे यानी कि जिन जिन वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के क्रिया के अंत में हम कह सकते हैं है आए, तो वो हमारा प्रेजेंट टेंस में आ जाता है, ठीक। तो प्रेजेंट के फिर चार टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, या इसको हम एक और कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, ठीक, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है लास्ट वन ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो ये हमारे चार प्रेजेंट टेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट जो होता है, उसके हिंदी के अगर सेंटेंसेस हैं तो उसमें हम देखते हैं जो क्रिया होती है उसके लास्ट में आएगा ता हूँ, ते हैं, ते हो। यानी कि अगर क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हो, ते हो, इस तरीके से अगर आते हैं लास्ट में, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाता है। तो चलिए इसका हम इंग्लिश में देख लेते हैं क्या होगा। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, सिंपली हमारा सब्जेक्ट होगा पहले आई, फिर खेलता हूँ, प्ले, ये हो गया, ठीक। उसके बाद है वह लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता है। उसके बाद है हम हर वर्ष शिमला जाते हैं, वी गो टू शिमला एवरी ईयर, ठीक। नेक्स्ट है तुम फुटबॉल खेलते हो, यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि हमारा जो पहले तो ये देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो होगा जिसके क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में ता हूँ, ता है, ते हैं, ते हो, इस तरीके से अगर ता है आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हमने इसको ट्रांसलेट किया, इसको अनुवाद किया, तो ये जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर आता है वो हमारा क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या हमने लिखा है, सब्जेक्ट, क्या लिखा है, सब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या लिखा है, वर्ब, ठीक। तो हम पूरा देखेंगे, अपने चार सेंटेंस हम पे आ लिए हैं, तो चारों में देखते हैं क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद प्ले है, यानी कि वर्ब है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है। तो अब हम इन चारों वर्ब्स को देखते हैं। यहाँ पे प्ले कोई चेंज नहीं, यहाँ पे राइट्स, राइट की स्पेलिंग RITE होती है, यहाँ पे S जोड़ दिया गया है, ठीक। यहाँ पे गो वही है, फिर यहाँ पे प्ले वही है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, हम देख सकते हैं यहाँ पे प्ले, राइट्स, गो, प्ले। तो यहाँ पे हमारी कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की, V1। फिर उसके बाद करें S और ES जोड़ दिया जाएगा, ठीक, S या ES जोड़ दिया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे दिया है वी गो टू शिमला, कहाँ जाते हैं वो, शिमला। इसमें यहाँ पे शिमला क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे शिमला जो होगा ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर हमको पता चल गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस S और ES, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट।
एंड उसके बाद बाकी की चीज़ें जो बची होती है ना, अदर थिंग्स, जो भी सेंटेंस का बचा रहता है वो लिख दिया जाता है। जैसे इस वाले सेंटेंस में एवरी ईयर बचा था ना, वो लिख दिया गया लास्ट में। ठीक, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने का या अनुवाद करने का नियम होता है, और ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एस और ई एस लगाया जाता है वो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ लगाया जाता है, क्योंकि मतलब थर्ड पर्सन और सिंगुलर के साथ लगाया जाता है, प्लूरल के साथ नहीं, क्योंकि दे जो आता है वो थर्ड पर्सन का होता है लेकिन सिंगुलर नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा ही है वो थर्ड पर्सन का है और सिंगुलर है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे एस लगाया। बाकी का इसमें ये हमारा फर्स्ट पर्सन का है नहीं लगा, इसमें सेकेंड पर्सन का है उसमें भी नहीं लगा। मतलब कि आई वी और यू को छोड़कर जितने भी हमारे नाउन प्रोनाउन आते हैं उनके साथ हम एस और ई एस लगाते हैं, सिंगुलर के साथ। एक ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जब सिंगुलर होगा तभी हम लगाएंगे, आई वी और यू को छोड़कर थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ लगाएंगे जब वो सिंगुलर होगा। ठीक, तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हम कहते हैं कि हमको वर्ब के लास्ट में एस और ई एस लगाना है, तो सबसे ये बात उठती है कि एस कहाँ लगाएं और ई एस कहाँ लगाएं, तो वही चीज़ हम देखेंगे। तो कह रहा है सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में हम एस और ई एस तब लगाएंगे जब उसका सब्जेक्ट सिंगुलर और थर्ड पर्सन का होगा। ठीक, तो यहाँ पे एस और ई एस, और फिर उसके बाद ये आता है कि हम ई एस कहाँ यूज़ करें और एस कहाँ यूज़ करें। तो सीधी सी बात है कि जब जो वर्ब हमारी होती है उसके लास्ट में अगर डबल एस आता है, ओ आता है, जेड आता है, सी एच आता है, एस एच आता है, तो हम उसके बाद जो है ई एस लगा देते हैं। वो भी ई एस तभी लगाएंगे जब वो सिंगुलर होगा, उसका सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन का होगा। ठीक, और बाकी चीज़ों बाकी जितने भी आते हैं हम एस लगाते हैं। और कुछ कंडीशंस फिर ऐसी आती हैं कि जैसे हमारा फ्लाई हो गया, तो फ्लाई में क्या होता है, एफ एल वाई, तो यहाँ पे वाई आ रहा है। ठीक, और जब वाई के पहले वाली जो लेटर होता है, पहले वाला लेटर होता है, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो इस वाई को हम एलिमिनेट कर देते हैं और आई ई एस छोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जांपल फ्लाई को अगर हम वो करेंगे तो हो जाएगा एफ एल आई ई एस। ठीक, इस तरीके से इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हम आई ई एस का यूज़ करेंगे। और यदि y के पहले वाला लेटर हमारा वॉवेल होगा तो हम केवल s यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्ले, प्ले में हम देखते हैं y हमारा y के पहले वाला लेटर a है, यानी कि एक वॉवेल है, इसलिए हम इसके साथ s यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका साथ s यूज़ करेंगे तो ये प्लेज हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, तभी हम आगे का जो ट्रांसलेशन, इसका बेसिक यूज़ हमको ट्रांसलेशन में ही करना है, फिर आगे चल के हम इसको इंग्लिश में यूज़ करेंगे पढ़ने के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके और कौन से सेंटेंस। ये तो हमारे अफर्मेटिव्स के बारे में हमने पढ़ा, अब हम देखते हैं हमारे इतने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा डू और डज होगा, फिर नॉट होगा, ठीक, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। कहने का मतलब है कि डू और डज नॉट का यूज किया जाता है और हमको एस या ई एस बिल्कुल यूज नहीं करना है। नेगेटिव सेंटेंस में हमको एस और ई एस बिल्कुल नहीं यूज करना है हमारे वर्ड्स की लास्ट में। ठीक, तो और कहने का मतलब यह है कि हमारा डू होता है वो प्लूरल के साथ यूज होता है और डज जो होता है वो हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, सिंगुलर और थर्ड पर्सन। हमको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये इस तरीके से है एस और ई एस या फिर डज जो है वो हमेशा सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक, तो चलिए इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा आई है सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन का नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन का है आई, इसलिए यहाँ पे हमने डू का यूज किया, उसके बाद नॉट डू, यहाँ सब्जेक्ट हो गया प्लस डू, ठीक, उसके बाद ये हमारी वी वन है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है ना, तो ये था हमारा नेगेटिव। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस,
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब से, जो है डू डस। डू या डस, जैसे इसमें है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए हम डस का यूज करते हैं, बाकी सब के लिए डू का यूज करते हैं। ठीक, तो डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई है तो डू यूज करेंगे हम। ठीक, डू आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा डू है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा वर्ब है वी वन, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, डू और डस पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वी वन है फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हमने देखा हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब हम देख लेंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक और टाइप जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा और नकारात्मकता भी दिखाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हम उसी का ले लेते हैं, आई प्ले फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो क्या हो जाएगा, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता। ठीक, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल, यहां पे हम देख सकते हैं कि डू हमारा पहले ही आ गया, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ये आ गया, जिससे हमको पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इससे हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है नेगेटिव भी है हमारा, तो इसमें हम नॉट देखते हैं, तो नॉट से हमको ये पता चल गया कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, टू और डस, जैसे थर्ड पर्सन के साथ डस लगेगा, ठीक, बाकियों के साथ डू लगेगा, थर्ड पर्सन फर्स्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, लेकिन बाकियों के लिए डू यूज हुआ है, डू यूज होगा। ठीक, तो उसके बाद डू और डस, फिर क्या होगा, प्लस सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट जो होगा जिसके बारे में कहा जाएगा, उसके बाद क्या होगा, नॉट, हमारा नेगेटिव वर्ड आएगा जो उसको नेगेटिव बनाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगी, वी वन, इसमें भी हमको ध्यान रखना है आपको वर्ब के लास्ट में एस और एस नहीं जोड़ना है। ठीक, ये हमारा हो गया वी वन फॉर्म वर्ब की। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, सीधे सीधे हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। इसका एक और हम एग्जांपल लेते हैं, डस से स्टार्ट होते हुए, डस शी नॉट प्ले चेस, क्या वो चेस नहीं खेलती। ठीक, यहाँ पे डू डस लगा है, डस से हमको पता चल जा रहा है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर शी ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डस लगाया हमने। ठीक, उसके बाद नॉट, नॉट से हमको इसके नेगेटिविटी का पता चल रहा है कि ये सेंटेंस नेगेटिव है, फिर ये हमारा वी वन है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हो गया हमारा डस, फिर हो गया सब्जेक्ट, फिर हो गया नेगेटिव वर्ड, फिर हो गया ये हमारी वी वन, और फिर हो गया, तो ये हमारा पूरा हो गया, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए हम देखते हैं इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस का यूज कहाँ किया जाता है, अधिकतर इनको हम प्रयोग कहाँ पे लाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, इनका यूज कहाँ किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहला है हमारा इटर्नल ट्रुथ, यानी कि जो परम सत्य है जिसको झुठलाया ही नहीं जा सकता, उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता, सूरज हमेशा पूरब में ही उगेगा, हमेशा ईस्ट में ही राइज होगा। ठीक, द सन राइजेस इन द ईस्ट, और इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता, वो हमेशा ईस्ट में ही उगेगा। तो ये एक एटर्नल ट्रूथ है। तो इस तरह के एटर्नल ट्रूथ को लिखने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वर्क्स डन ऑन डेली बेसिस, मतलब इसको हम यूज करते हैं जो हमारे काम जो है डेली रूटीन पे जो किए जाते हैं, मतलब जैसे कोई कार्य रोज किया जा रहा है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी गोज टू स्कूल डेली, वो डेली स्कूल जाती है ना, इसको हम डेली लगाए या ना लगाए, शी गोज टू स्कूल इतना भी कहते हैं तो ये सेंटेंस करेक्ट है
और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। मान लीजिए वो कपड़े पहनता है, तो कपड़े डेली पहनता है, वो डेली बेसिस पे, शी वेयर्स क्लोथ या ही वेयर्स क्लोथ। इस तरीके से है कि अगर कोई चीज़ है, कोई कार्य है, वो डेली बेसिस पे हो रहा है, तो उसको बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। कमेंट्रीज ऑन टीवी एंड रेडियो। फिर एक चीज़ और है कि कमेंट्रीज जो हमारी रेडियो पे कमेंट्रीज होती है या रेडियो पे या टीवी पे, तो उसमें भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, राजू पासेस द बॉल टू सलूजा, सलूजा पासेस इट टू सोनू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पासेस से पता चला है कि यहाँ पे इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कमेंट्रीज में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जनरली हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स। कह रहा है कि जनरली जो है हमारा न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस जो होती है वो जनरली प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। फॉर एग्जांपल, थीफ एस्केप्स, क्रिकेट मैच ड्रॉज, इस तरीके से जो हेडलाइंस होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। इनको चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जनरली जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होती है। नेक्स्ट है प्लान फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में जो एक्टिविटी होने वाली है उसको पहले से ही प्लान किया हुआ है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारा कॉलेज कल खुलने वाला है, ठीक, तो अवर कॉलेज ओपन्स टुमारो, हमारा स्कूल कल खुलेगा, है फ्यूचर का, लेकिन यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज किया है क्योंकि हमने पहले से प्लान कर रखा है कि कल कॉलेज खुलेगा, ठीक। तो यहाँ पे भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। नेक्स्ट है कोटेशंस। अगर कोई आप कोटेशन कर रहे हैं, आप कोई कथन कह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होगा। फॉर एग्जांपल, राम से बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, ठीक। तो इसको भी हम देख सकते हैं कि राम से बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। तो यहाँ पे जो फिश स्विम है, फिर यहाँ पे बर्ड्स हमारा प्लूरल था इसलिए फ्लाई लगा, और यहाँ पे फिश जो है हमारा, फिश भी प्लूरल है क्योंकि मछलियों का जो प्लूरल, फिश का प्लूरल जो होता है वो फिश ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पे स्विम लगाया है, एम के बाद एस और ई एस नहीं लगाया है, ठीक। तो ये हमारा था कोटेशन, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा है यूज्ड विद ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, यूजुअली, व्हेनेवर और व्हेन, या और भी ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज होता है। फॉर एग्जांपल, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऑलवेज का यूज किया और फिर उसमें हमने स्पीक्स लगाया, एस जब लास्ट में आया तो उसमें हमसे पता चल ही जाता है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, He never tells a lie. इसमें भी हम देख सकते हैं कि ही हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, इसलिए हमने एस लगाया लास्ट में, ठीक। He never tells a lie, यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। इसी तरीके से ये वर्ड्स है जिनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है, और भी ऐसे कई वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होता है। ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, सपोर्ट अस एंड लर्न।